ये है फरुखाबाद जंक्शन, इसका मेन एंट्रेंस डोर है ये। हाँ जी, तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15084 जो कि फरुखाबाद से चल के छपरा तक जाएगी, उत्सर्ग एक्सप्रेस, जिसका यहाँ पे फरुखाबाद में डिपार्चिंग टाइम है 2:35। और फरुखाबाद जो है ना, ये जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ की नमकीन जो खाने वाली होती है ना, नमकीन वो मिलती है यहाँ पे। देखिए, मुझे फरुखाबाद में रेल नीर नहीं मिला है, किले मिला, मगर भैया ने 15 का दिया, चलो ठीक है फिर भी, मगर रेल नीर होना चाहिए भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं। तो हुआ यूँ ना कि मैंने पहले पूछा पानी कितने का है, तो उन्होंने बोला 20 का। मैंने बोला रेल नीर नहीं है आपके पास, किले का रखा आपने? तो बोले भैया रेल नीर ट्रेन में मिलता है। मैंने कहा स्टेशन है रेलवे की अथॉरिटी के अंदर, आप चल रहे। जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया तो उन्होंने बिना कुछ कहे 15 रुपये का पानी दे दिया। ये ट्रैक कट गया है सीधा, ये जो ट्रैक कटा हुआ है ना, यही ट्रैक जाता है सीधा। तो तन्नौज से हम निकल चुके हैं, वीडियो बना रहे थे, गेट पे खड़े हो गए और अंदर आए ना तो GRPF आया और मेरे से पूछ रहा कि परमिशन है इसकी। थोड़ा सा परेशान किया, मूड ऑफ कर दिया था, बट कोई नहीं, होता रहता है ट्रैवलिंग में, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। हाँ जी, तो हम हैं फरुखाबाद जंक्शन पर, ये है फरुखाबाद जंक्शन, इसका मेन एंट्रेंस डोर है ये। ये है फरुखाबाद का रेलवे स्टेशन, ये एंट्रेंस गेट है इसका। हमारी ट्रेन जो डिपार्च करेगी ना, वो 2:35 पे दोपहर के डिपार्च करेगी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 5, और ये है 5, और वो सामने 4, उसके बाद 3 और ये 2 नंबर। तो हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है। हाँ जी, तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15084 जो कि फरुखाबाद से चल के छपरा तक जाएगी, उत्सर्ग एक्सप्रेस, जिसका यहाँ पे फरुखाबाद में डिपार्चिंग टाइम है 2:35। हम जर्नी करेंगे फरुखाबाद से कानपुर सेंट्रल फरुखाबाद जंक्शन, कि आपको पता ही होगा इसका स्टेशन कोड FBD है। और ये यहाँ से एक ट्रैक कानपुर सेंट्रल की तरफ जाता है जो कि कन्नौज होकर निकलता है, और एक ट्रैक जाता है जो यहाँ से ना वो जाता है यहाँ से कासगंज, और तीसरा जो जाता है वो जाता है यहाँ से मैनपुरी इटावा की तरफ। तो इसीलिए इसको जंक्शन कहते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको आगे डिपार्चर पर और बताते हैं कि कैसी जर्नी है। और फरुखाबाद जो है ना, ये जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ की नमकीन जो खाने वाली होती है ना, नमकीन वो मिलती है यहाँ पे, और बहुत ही बल्क अमाउंट में यहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए जाना जाता है। एक छोटा सा शहर है ये भी, और ये पड़ता है फरुखाबाद रेलवे स्टेशन, फरुखाबाद जंक्शन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर आपके डिपार्चर पर, तब तक वीडियो में बने रहे। और जो फरुखाबाद का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है ना, ये सबसे VIP प्लेटफॉर्म माना जा रहा है यहाँ का, ये मुझे अभी पता चला। काफ़ी साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन है, देख सकते हैं आप। पानी दीजिए भैया एक। फरुखाबाद स्टेशन पे हैं आप रेलवे में, और रेल नहीं है भैया आपके पास, कितने का है? इसकी रेल सप्लाई देती है। कितने का ये? 15 का दिया भैया ने। देखिए, मुझे फरुखाबाद में रेल नीर नहीं मिला है, किले मिला, मगर भैया ने 15 का दिया, चलो ठीक है फिर भी, मगर रेल नीर होना चाहिए भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं। तो हुआ यूँ ना कि मैंने पहले पूछा पानी कितने का है, तो उन्होंने बोला 20 का। मैंने बोला रेल नीर नहीं है आपके पास, किले का रखा आपने? तो बोले भैया रेल नीर ट्रेन में मिलता है। मैंने कहा स्टेशन है रेलवे की अथॉरिटी के अंदर, आप चल रहे, रेल नीर तो होना चाहिए। खैर, उन्होंने किले का दिया। मैंने पूछा कितने का है, तो बोल रहे हैं कि 20 का। जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया तो उन्होंने बिना कुछ कहे 15 रुपये का पानी दे दिया, 5 रुपये तुरंत लौटा दिए। तो ये होता है भाई साहब, देख लीजिए, अगर आप नॉर्मली अगर जर्नी कर रहे हैं ना, तो आपको ही 20 का ही पानी देने वाले हैं। गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि पैसेंजर को हरासमेंट ना हो किसी भी तरीके की। तो गाइस, फाइनली हमारी ट्रेन फरुखाबाद से दोपहर के 2:35 पर अपने राइट टाइम से डिपार्च कर चुकी है,
और ये ट्रेन अब कानपुर सेंट्रल की ओर बढ़ रही है। इसका पहला स्टॉपेज जो है ना यहाँ से छूटने के बाद सीधा कन्नौज है, तो बिल्कुल राइट टाइम पर यहाँ से अपना मूवमेंट लिया है इस ट्रेन ने। देख सकते हैं आप, ये फर्रुखाबाद का प्लेटफार्म नंबर 2 था जो निकल गया। तो फाइनली हम फर्रुखाबाद से निकल चुके हैं और इसका अगला स्टॉपेज सीधा कन्नौज होगा। और हाँ, आपको दिखाते हैं जो रेलवे ट्रैक कट रहा है ना यहाँ से राइट साइड में, ये देखिए रेलवे ट्रैक जो राइट साइड में कटा हुआ है, ये रेलवे ट्रैक जो राइट साइड में कट रहा है ना जिस पर ट्रेन खड़ी है, तो ये रेलवे ट्रैक जो है वो जाता है सीधा मैनपुरी कटावा को। तो अलविदा फर्रुखाबाद, बाय बाय। काफ़ी अच्छा लोकेशन है इसका, प्लेटफॉर्म का और स्टेशन का, देखिए पूरा रेड एंड वाइट पे है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के। फाइनली हम फर्रुखाबाद से डिपार्च कर चुके हैं। शहर तो काफ़ी छोटा ही है बट प्लेटफॉर्म की जो खूबसूरती बनाई इन्होंने ठीक ही बनाई। NER रेलवे के अंदर आता है ये, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही लेफ़्ट टर्न कर रही है हमारी ट्रेन, बिल्कुल लेफ़्ट टर्न कर रही है। और सामने एक गुड्स ट्रेन आई हुई है जो आ रही है अभी, उसका अराइवल है। तो वो ट्रेन ना मैनपुरी साइड से आ रही है, मैनपुरी इटावा, ये ट्रैक कट गया है सीधा, ये जो ट्रैक कटा हुआ है ना यही ट्रैक जाता है सीधा। देखिए बिल्कुल रोड चिपका हुआ है ट्रेन के साथ, ये फर्रुखाबाद शहर का रोड है, बिल्कुल ही ट्रेन से चिपका हुआ है। और हमारी ट्रेन अभी भी थोड़ा सा लेफ्ट टर्न कर रही है। सब मकानों के बीच से रेलवे ट्रैक निकलता हुआ, देख सकते हैं घर है, शॉप है, सारी चीज़ें, बंगला। स्पीड देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म है। फर्रुखाबाद से अभी पूरे 10 मिनट हुआ है सिर्फ फतेहगढ़ क्रॉस हुआ है और इसकी स्पीड 105 किलोमीटर पर आ रही है, क्या गजब स्पीड। और खास बात ये है ना, फर्रुखाबाद से लेकर कानपुर तक ये रोड जो है ना ये साथ साथ ही चलता है। जिसमें 4 AC 3 टीयर के और 1 AC 2 टीयर का कोच लगता है। और ये ट्रेन ना फर्रुखाबाद से खुली है ना, उसके बाद गदर मचाई भाई साहब, ज़बरदस्त स्किपिंग हुई है अभी कमालगंज की, बहुत स्पीड में है। हम आपको कन्नौज मिलते हैं, कन्नौज में दिखाते हैं आपको ज़बरदस्त स्पीड के साथ, मज़ा आ गया। बात करूँ इस ट्रेन में पेंट्री की ना, तो पेंट्री नहीं है इसमें, साइड पेंट्री का सिस्टम है जो कि कानपुर से और लखनऊ से ऑर्डर लेते हैं और चढ़ाते हैं, खाना देकर आपको प्रोवाइड करेंगे वो बाराबंकी के आसपास। तो यही इस ट्रेन का सीन है, क्योंकि ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन है नहीं इस ट्रेन का, आई थिंक कि 17-18 घंटे का ड्यूरेशन, 17 घंटे का ड्यूरेशन है इस ट्रेन का, तो उसमें पेंट्री इसलिए नहीं है। बट फिर भी अगर देखा जाए ना तो साइड कैटरिंग और साइड पेंट्री के हिसाब से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ये भी देखिए आप,
नदी। और ये एक और बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है, बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज है। और ये देखिए आप, हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज। इस पूरे रास्ते में आपको सिर्फ कोल्ड स्टोरेज ही कोल्ड स्टोरेज मिलेंगे, ये खास बात है। मैंने अभी देखा, ये देखिए एक और कोल्ड स्टोरेज यहाँ भी है, ये देख सकते हैं आप, ये भी देखिए कोल्ड स्टोरेज है। तो बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज मिलेंगे। ये भी देखिए कोल्ड स्टोरेज, राम गंगा कोल्ड स्टोरेज है ये। तो लाइन से आपको पूरे रास्ते 150 किलोमीटर आपको बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज मिलेंगे इसमें। ये पुराना जीटी रोड है, यही पुराना जीटी रोड चल रहा है हमारे साथ, तो ट्रेन के साथ ये रोड चल रहा है, यही ओरिजिनल जीटी रोड है। हम कन्नौज सिटी को स्किप कर रहे हैं, ये कन्नौज सिटी स्टेशन है जिसको हम स्किप कर रहे हैं। फाइनली हम कन्नौज पहुंच रहे हैं, देख सकते हैं आप, हम पहुंच रहे हैं कन्नौज। तो फाइनली हम कन्नौज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, लग रहा है ये ट्रेन यहीं से भरने वाली है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस ट्रेन में। कन्नौज से तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ गई है। हाँ जी, तो फाइनली हमने 60 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फर्रुखाबाद से हम कन्नौज पहुँच चुके। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट, इसका स्टेशन कोड है KJN। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ ना, तो नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म सिर्फ है यहाँ पे 2, और हमारी ट्रेन आई है अपने टाइम से 10 मिनट बिफोर। इस ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, मगर हमारी ट्रेन अभी यहाँ रुकेगी 15 मिनट, क्योंकि हम 10 मिनट बिफोर ऑलरेडी आए हैं यहाँ पे। कन्नौज जो पड़ता है ना, वो उत्तर प्रदेश के कानपुर और फर्रुखाबाद के बीच का के एक बड़ा एक शहर है, और जहाँ पे ना अत्र मतलब परफ्यूम का बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है। इस शहर की जो खूबी है ना, यहाँ पे अत्र परफ्यूम का प्रोडक्शन बहुत होता है, और इसके अलावा कन्नौज के अंदर बहुत पहले प्राचीन में युद्ध भी हो चुके हैं, तो इसलिए कन्नौज की शोहरत थोड़ी है। तो हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकेगी अब 15 मिनट, क्योंकि 5 मिनट का हॉल्ट और 10 मिनट बिफोर भी है। तो ट्रेन काफ़ी पंक्चुअलिटी के साथ अगर देखा जाए ना, तो इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो आइए नंबर ऑफ ट्रैक की बात करूँ, यहाँ पे 3 है और ये इज्जत नगर मंडल में आता है। तो फाइनली हमारी ट्रेन डिपार्च कर चुकी है, 15 मिनट हॉल्ट था इसका, हॉल्ट तो ऑफिशियली 5 मिनट का था, ये बिफोर थी तो 15 मिनट लग गया, और यहाँ से डिपार्च कर चुके हम कन्नौज से। देख सकते हैं आप कन्नौज, जहाँ पे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है, बट पैसेंजर काफ़ी मिलेंगे, क्योंकि सर्विस करने वाले कानपुर टू कन्नौज, कानपुर टू फर्रुखाबाद, वो बहुत मिलेंगे आपको। तो कन्नौज से हम निकल चुके हैं, और आपसे मिलते हैं फिर सीधा कानपुर अनवरगंज, जो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है, और बिफोर ही आई है अभी तक। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे बिफोर ही चलेगी, काफ़ी बढ़िया रन है इसका। तो गाइस, बात ये हुई ना अभी कि हम व्लॉगिंग कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, गेट पे खड़े हो गए, और अंदर आए ना तो GRPF आया और मेरे से पूछ रहा कि परमिशन है इसकी। तो जिस चीज़ की परमिशन इनको देनी होती है, और जिस चीज़ की परमिशन के बारे में इंक्वायरी करनी थी ना, वो तो करते नहीं हैं। अभी मैंने बताया ना, फर्रुखाबाद में पानी की बॉटल, एक तो नॉन ऑथराइज्ड पानी की बॉटल मिल रही थी, और वो भी 20 रुपये में। जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया ना, तो बंदा 15 रुपये में दिया। और बात आई वहाँ पे फिर कि परेशान किसको किया जाए, परेशान एक सच्चाई दिखाने वाले को किया जाएगा। अरे भाई साहब, आप जाइए ज़रा देखिए पीछे क्या हो रहा है, उनको देखिए जो दिखा रहा है, उनको क्यों आप परेशान कर रहे हैं। थोड़ा सा परेशान किया, मूड ऑफ कर दिया था, बट कोई नहीं, होता रहता है, ट्रैवलिंग में ये सब चीज़ें होती रहेंगी, और इन चीज़ों से हमें बैकवर्ड पर नहीं आना, मुझे तो बैकवर्ड पर बिल्कुल भी नहीं आना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक
ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है कि देखिए ये चीज़ भी होती है कि जिन चीज़ों को इनको इंक्वायरी करनी चाहिए, जिन चीज़ों के बारे में इनको ना जांच पड़ताल करनी चाहिए वो नहीं करते, जो चीज़ सही कर रहा है ना बंदा उसको ये परेशान करते हैं। तो सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, बाकी लोग बहुत अच्छे भी होते हैं जीआरपी में भी, जो सपोर्ट भी करते हैं इन चीज़ों का। तो खैर सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो ठीक है मैंने सोचा बता दूँ आपको, शेयर करूँ। हम आ चुके हैं मंदना में, हमारी गाड़ी थोड़ा स्लो है हुई है, ट्रैक चेंज कर रही है शायद, कॉशन था कुछ। और ये देखिए स्टूडेंट दिख रहे हैं, और यहाँ पे लिखड़ जान खड़ा है, ये देखिए कुछ और स्टूडेंट्स जो ट्रैक्स पे चल रहे हैं, ये सही नहीं है, ट्रैक आगे बंद है। चलो मेन लाइन पे हमारी ट्रेन है और चल रही है, देखते हैं मंदना में रुकती है या आगे बढ़ती है, शायद कोई क्रॉसिंग हो सकती है अगर रुकेगी तो। बात करूं मैं अपनी ट्रेन की ना, उत्सव एक्सप्रेस की ना, तो इसमें भी डीज़ल लोकोमोटिव लगा हुआ है। डीज़ल लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन फरुखाबाद से छपरा को जाएगी। उसकी वजह ये है ना कि इलेक्ट्रिक रूट तो है मगर बीच बीच में इसके रूट जो है ना उसमें इलेक्ट्रिक रूट नहीं है, तो इसलिए शायद ये डीज़ल लोकोमोटिव के साथ चलती है, क्योंकि कौन बार बार चेंज करे। बाकी रेलवे कोई अपना रीज़न भी हो सकता है। हमारी ट्रेन ना कानपुर में, कानपुर अनवरगंज से दो स्टेशन पहले मंदना में रुक गई है, और किसी ट्रेन की आई थिंक क्रॉसिंग है और देर लग सकता है, तो मुझे कुछ काम था इसी जोन में आगे कल्याणपुर में, तो यहाँ से वो नियर है और वहाँ ये ट्रेन रुकती नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं से इस ट्रेन को डिबोर्ड कर दूँ। तो फाइनली मैं इस ट्रेन को यहीं से डिबोर्ड कर दिया है। और कैसी रही जर्नी बताइएगा आप मुझको जर्नी के बारे में। मैं मंदना स्टेशन पर इस ट्रेन को छोड़ दिया हूँ, अभी तक ये ट्रेन बिफोर चल रही है, तो मुझे तो लग रहा है काफ़ी पंक्चुअल है टाइम के लिए, क्योंकि बिफोर भी चल रही है और काफ़ी सही है। तो चलिए जैसी भी जर्नी रही हो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नई जर्नी के साथ, इसी के साथ विदा लेते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हम एक से एक बढ़िया से बढ़िया जर्नी लेके आएँ, बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आएँ। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी ट्रेन को रोका गया है ना, वो इस ट्रेन की वजह से रुका गया था, इसी ट्रेन की यहाँ क्रॉसिंग थी। और ये ट्रेन कौन सी है मैं बता रहा हूँ आपको, वह इंजन लगा है WAB4 का, और ये ट्रेन मथुरा छपरा दिल्ली, मथुरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। ये इस रूट से छपरा से चल के आ रही है और ये इस रूट से मथुरा को जाएगी, समझ रहे ना आप, फरुखाबाद होके ये निकलेगी मथुरा की तरफ। इसी ट्रेन के अराइवल की वजह से हमारी ट्रेन को यहाँ रोक दिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।